शाहरुख खान। बीएससी में दूसरे वर्ष के छात्र शाहरुख ने फाइटर जेट का मॉडल तैयार किया है और इसे रिमोट से सफलतापूर्वक उड़ाया भी है। शाहरुख के जज्बे को उड़ान भरते आप भी देख सकते हैं। फिल्मों में अदाकारी दिखाते शाहरुख खान को तो आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ भविष्य के साइंटिस्ट शाहरुख खान का फाइटर जेट हवा में करतब दिखा रहा है। 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम इस फाइटर जेट का मॉडल पूरी तरह से देसी तकनीक पर आधारित है और इसे बनाया है संभल के बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र शाहरुख खान ने। फाइटर जेट का मॉडल तैयार करना इनके लिए मुश्किल जरूर रहा, लेकिन इनका हौसला बड़ा निकला। जब आगरा मैंने पहली बार फरवरी में वहाँ पहले विमान आया था जेट विमान असली, तो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर मैंने पहला जेट विमान देखा था असली उड़ता हुआ देखा, तो मैंने सोचा यार मैं भी कुछ ऐसा करूँ। फिर मेरे दिल में कुछ लग गई ऐसी, माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एक बार लेक्चर में बोल रहे थे कि न्यू इंडिया बनाने का सपना पूरा होगा। न्यू इंडिया बनाने का सपना पूरा जब ही होगा तब सब हिंदुस्तान वासी इसमें सहयोग करेंगे और सब हिस्सा लेंगे, तब ये न्यू इंडिया बनेगी। हवा में करतब दिखाता शाहरुख का ये मिनी जेट दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। करीब 0.5 किलो के वजन का ये फाइटर जेट पूरे 8 महीने की मेहनत के बाद तैयार हो पाया है और इसे बनाने में 23,000 रुपए लगे और इस तरह शाहरुख खान ने अपने सपने और हौसले को उड़ान दी। शाहरुख नाम का लड़का है जो बीएससी कर रहा है और हमारे तहसील का ही रहने वाला मोहम्मद टाटा गांव का है, इसने जेट विमान को उड़ाया है रिमोट कंट्रोल के माध्यम से और टेक्निकल क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छी बात है। पढ़ाई के साथ साथ हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है वैज्ञानिक बनकर या टेक्निकल माध्यम में आगे बढ़ें, डिग्री के साथ साथ आविष्कार की भी देश को जरूरत है। शाहरुख को फाइटर जेट बनाने की प्रेरणा तब मिली जब लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फरवरी में लड़ाकू जेट विमान उतारा गया था। साथ ही सरकार की न्यू इंडिया की मुहिम से भी शाहरुख उत्साहित हुए और दे दी अपने जज्बे को ऊंची उड़ान। नेशनल वॉइस के लिए संभल से हुसैन की रिपोर्ट। और इसके साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं कुछ देर।